हेलो, आ गए सब? हेलो प्रांजल, हाय। मेरे में लोड क्यों नहीं हो रहा? मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? हाय प्रांजल, हाय। ओके सो यू गाइस आर जॉइनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। हाँ बट आई होप माय वॉइस इज क्लियर। यस हाँ, अभी दिखा मुझे सबके चैट्स। ओके ओके ओके, अच्छा इतने चैट्स आ भी गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, आई एम सो सॉरी, मेरे को जल्दी चैट्स दिख नहीं रहे थे। हेलो यश, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप सब लोग लंच करके आए एकदम फ्रेश फ्रेश हो। हाय गौरव, हाय। ओके, हेलो वैभव, हेलो मोहित, यश। ओके 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 ओके, हाँ ना, सुबह नहीं देखा था क्या? अभी देखा। ओके ओके ओके, चलो रुकना है और लोगों के लिए कि चले। ओके हाय यश, हसलो। ओके गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो माय डियर बायो हैकर्स, हाउ आर यू गाइस? थैंक यू। हेलो हाय, हेलो शुभम, हाय, हेलो आदर्श। गुड 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 गुड, थैंक्स मनीष, थैंक यू सो मच फॉर द रेड सिग्नल, थैंक यू सो मच। हाय 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 एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस आर फ्रेश एंड रेडी फॉर टुडे सेशन। यस ग्रेट ग्रेट, आई कैन सी लॉट मेनी रेड सिग्नल्स टुडे। क्या बात है, बहुत जोश में आज तुम लोग। ग्रेट 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 ग्रेट। सो गाइज, इफ यू रिमेम्बर, हमने स्टार्ट किया था विद द फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। उसके आज थर्ड लेक्चर में हम लोग हैं कि नहीं? यस, ओह यस मनीष, रॉक ऑन, थैंक्स हसलो, थैंक यू सो वेरी मच। ओके ग्रेट, फाइन, चलो बस हो गया, बहुत हो गया अभी। रेडी रेडी फॉर द सेशन? हेलो प्रयास, हेलो 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 एवरीवन, हेलो। ओके गाइस, चलो। तो इफ यू गाइस नो, हम लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले थे विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, है कि नहीं? यस, आई होप यू गाइस हैव, आई होप देयर इज नोबडी न्यू। इज देयर एनीवन हु इज न्यू? ऐसा कोई है जो आज पहली बार आया है? फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर मिस कर दिया, थर्ड लेक्चर में आ रहा है डायरेक्टली? एनीवन एनीवन एनीवन? यस कोई ऐसा है कि फर्स्ट सेकेंड लेक्चर? प्लीज प्लीज। ओके प्रयास इज न्यू, हाय प्रयास, हेलो मोहित, मोहित इज न्यू, आदर्श हेलो 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 मोहित। ओके ओके ओके, देर आर लॉट मेनी पीपल, नाइस नाइस नाइस, चलो अच्छी बात है। वेलकम वेलकम यू गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हेलो आकांक्षा, हाय, शुभम इज ऑल्सो न्यू। ओके ओके ओके, अमेजिंग, आई एम ग्लैड दैट सो मेनी न्यू स्टूडेंट्स हैव कम अप। सो गाइस, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर भी देख लो, अरे फर्स्ट सेकेंड लेक्चर भी देख लो, डू नॉट मिस आउट दैट। ओके, ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड के बाद एक लास्ट फोर्थ लेक्चर होगा, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, ठीक है? तो कल वी विल बी डन, वी विल बी डन विद दिस चैप्टर एंड वी विल मूव ऑन टू द अनदर चैप्टर। अच्छा प्रांजल, यू वॉन्ट प्लांट किंगडम? यस वी विल बी डूइंग प्लांट किंगडम, बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के बाद करें प्लांट किंगडम, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। आई हाय मनीष, क्या बात है। ओके ओके ओके, चलेगा।
ओके गाइस, ओके गौरव बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है ना साक्षी मैम स्टार्ट करने वाली है नेक्स्ट वीक में फ्रॉम मंडे. ओके नेक्स्ट वीक से तुम्हारा वो बायो का चालू हो जाएगा 8 से 9 वाला लेक्चर. ओके 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 स्पेशल क्लास होगा. हाँ होगा स्पेशल क्लास होगा और हम लोग पूरा ये करेंगे क्या कहते हैं ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा ना. ये चैप्टर खत्म होते ही देन वी विल डू अंडरलाइन एनसीईआरटी अंडरलाइन. यू गाइस शुड बी रेडी विथ योर एनसीईआरटी चाहे तुम्हारा हार्ड कॉपी हो या फिर यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ. वी विल बी डूइंग अंडरलाइन इन द सेंस वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे इन वन गो. ओके ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. छोटा चैप्टर है 4 लेक्चर में हमने ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. तीसरा है कल चौथा लेक्चर होगा 5 बजे. देन उसके बाद बाकी एवरीवन एल्स प्लीज फॉलो वो पूरा फर्स्ट टू फोर्थ लेक्चर देख लो जितने जन न्यू थे आई एम टॉकिंग टू देम. ओके एंड फिर हम लोग कल का लेक्चर तो मुझे लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा उतना टाइम नहीं लगेगा. वी विल बी हैविंग क्विजेज ऑल्सो. ठीक है एक बार तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी अंडरलाइन हो जाएगा फिर हम स्पेशल क्लासेस में क्विज करेंगे. वी विल बी सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चंस. इज इट ओके गाइस? यस कल मैं तुम लोग को दोपहर को ही कल नहीं एक्चुअली आज रात को आई विल बी शेयरिंग द लिंक स्पेशल क्लास का ऑन टेलीग्राम चैनल. ठीक है टेलीग्राम चैनल जाके फॉलो करो गाइस प्लीज प्लीज. मैं बहुत बार बोल रही हूँ मुझे गिन के 6 जन दिखे उसमें 6 जन है सिर्फ वहाँ पे. प्लीज बहुत लोगों तुम लोग एवरीवन जल्दी जल्दी गो फॉलो द टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे. यू विल ऑल्सो गेट द नोट्स. कल चैप्टर खत्म हो जाएगा नोट्स पीडीएफ सब कुछ उसमें मिल जाएगा. सो गो एंड फॉलो द टेलीग्राम चैनल. ओके एवरीवन यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ इट्स ओके या फिर रेड सिग्नल. जल्दी जल्दी दिखना चाहिए मेरे को बस. ओके ग्रेट 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 ओके 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 चलो ठीक है स्टार्ट करता है. लिविंग वर्ल्ड का हम थर्ड पार्ट कर रहे थे जहाँ पे इफ यू गाइज रिमेम्बर हमने स्टार्ट किया था विथ सेकेंड पार्ट में बायोडाइवर्सिटी खत्म की थी. बट बिफोर दैट माई फॉर स्टूडेंट्स फॉर ऑल माई डियर बायो हैंकर्स मैं क्यों बोलती हूँ मैं वो भी बता देती हूँ क्योंकि बहुत जन नए आए हैं. आई कॉल यू आई विल एड्रेस ऑल माई स्टूडेंट्स बायोलॉजी स्टूडेंट्स एज बायो हैंकर्स क्योंकि बायो तो खैर हमारा सब्जेक्ट है. हैंकर्स इसलिए बिकॉज यू नो आई बिलीव दैट यू गाइज हैव दैट थिंग इन यू कि नहीं यार हमको करना ही है हमको एग्जाम क्रैक करना है कि नहीं सबको करना है कि नहीं एग्जाम क्रैक. सो यू नो हैंकर्स आर दोज पीपल जिनको वो थर्स्ट रहता है यू नो यू हैव दिस काइंड ऑफ अ डेडिकेशन कि नो यू हैव टू डू इट जिद होती है. ओके सो दैट्स व्हाई फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी एड्रेसिंग यू एज बायो हैंकर्स. ओके एवरीवन लाइक्स योर न्यू नेम unanimous name come on. okay great. hi Sapna hello okay so before that let me introduce myself. my name is Kajal Singh. okay obviously tum log ne thumbnail pe dekh liya hoga mera naam Kajal Singh hai. okay I've done my BTech in biotechnology pursuing my masters MTech in food biotechnology. thank you Sapna thank you so much thank you Manish. ओके हाँ ना रोज बताती हूँ मैं लेकिन कुछ कुछ जन नए हैं ना गौरव अभी क्या कर सकते हैं स्पेशल क्लास में नहीं बताऊंगी रोज रोज टेंशन मत लो. ओके हेलो मीनू हाय गायब थी मीनू कुछ दिन से. ये भी मैं वापस बता रही हूँ सुन लो 2021 बैच वाले लास्ट लैब बैच होने वाला है अनअकैडमी ऐप पे तो जल्दी जाओ जल्दी वो करो 2021 के लिए है. ओके हेलो मनीष यहाँ पे क्या होगा जो 3 महीने में अभी एग्जाम होने वाला है तुम लोगों को 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पे यू विल बी गेटिंग स्पेशल बम्पर ऑफर. ओके वैलिड ओनली टिल 24th क्योंकि ये सेशन स्टार्ट हो रहा है 21st से. ओके गाइस ये है किसके लिए 2021 बैच के लिए. ठीक है फिर 12th स्टैंडर्ड जो 11वीं से 12वीं में गए उनके लिए क्या है उनके लिए है तुम्हारा एंथूज बैच पे भी 1 साल के इस पे सब्सक्रिप्शन पे ऑफर चल रहा है.
ठीक है, तो गो एंड एक्सप्लोर नर्चर बैच तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो 10th पास किए हैं, ओके, या फिर पास करवा दिए गए हैं क्योंकि एग्जाम तो हुआ नहीं है ना। तो नर्चर बैच है 2023 में जो एग्जाम्स लिख रहे हैं बच्चे, यानी कि तुम जैसे लोग। ओके ओके, तो 2023 बताती हूँ मैं आकांक्षा, रुक जाओ। 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ये बैच भी 2023 के लिए। यू कैन गो एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे कुछ टीचर्स के फोटोज छुप रहे थे, बट ये तुम लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, तो तुम लोग उधर जाके देख सकते हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का है, 6 महीने का है, तुमको जैसे लेना है उस हिसाब से यू कैन बाय। बट वॉट आई विल सजेस्ट, जो लोग 21 में एग्जाम दे रहे हैं गो फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि तुम लोग को बम्पर ऑफर मिल रहा है कि नहीं, 17% ऑफ है उस पे। 12 मंथ्स वाले जो हैं वो 12th में जो हैं, अभी 12th स्टैंडर्ड में जो है, यू कैन गो फॉर 1 ईयर। एंड पीपल लाइक यू जो अभी 10th में है और उन लोग 23 में एग्जाम लिखेंगे, यू गो फॉर 24 मंथ्स, क्योंकि एक साथ 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो फिर तुमको 67% ऑफ मिलेगा। एंड प्लस प्लस प्लस, ये तो चलो प्लस का है, आई एम टॉकिंग अबाउट आइकॉनिक ऑल्सो। आइकॉनिक में क्या हो जाता है, यू आर गेटिंग पर्सनल एजुकेटर, पर्सनल अटेंशन फ्रॉम द एजुकेटर, उसके सब्सक्रिप्शन के कॉस्टिंग्स अलग है, यू कैन चेक ओवर योर। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग इज व्हेन यू विल गो ऑन द अनअकैडमी ऐप, वहां पे जब जाओगे, नहीं प्रांजल गलत बोला तुमने, मार खा गए तुम इधर, गलत बोल दिया तुमने। यहाँ पे व्हेन यू विल गो, यू विल बी आस्क्ड फॉर हैव, डू यू हैव अ रेफरल कोड। तो यहाँ पे जाओगे, बताएगा कोई मुझे जो अभी से प्रांजल ने तो गलत बोल दिया, वेरी डिसअपॉइंटेड। बाकी लोग किसी को याद है मेरा क्या है रेफरल कोड? अर्जित नाम पता चल गया ना, उतना काफी है। KS10 भी नहीं है क्या प्रांजल? माई कोड इज KJLIVE10। ओके गाइस, एवरीवन नोटेड, KJLIVE10। ओके, ये 10 क्यों है? फॉर न्यू कमर्स जो अभी अभी आए हैं, 10 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे तुमको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाता है। 67% तो था ही, उसके ऊपर एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाता है। ओके, केजे में जे का मतलब ऐसे ही यार, काजल का वैसे डाल दिया, काजल का कोई तकलीफ है केजे लाइफ में? ओके गाइस, चलो लेट्स मूव ऑन। अनअकैडमी ऑनलाइन स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चालू हो रहा है। ओके, सो हूएवर इज इंटरेस्टेड गो, आई वुड सजेस्ट गो एंड गिव एन अटेम्प्ट। यहाँ पे अगर तुमको स्कॉलरशिप मिल रहा है, यू विल बी गेटिंग 5 करोर्स, 5 करोर्स वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद अमेजिंग प्राइजेस, मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजोन, इको, ये सारी चीज़ें जो है, कुछ कुछ तो फोटोज छुप भी गए हैं, ये सारी चीज़ें तुमको मिलेंगी अलॉन्ग विद द स्कॉलरशिप ऑफ वर्थ 5 करोर्स। ओके, यू कैन ऑल्सो गो फॉर टेस्ट सीरीज, यहाँ पे यू कैन टेक अनअकैडमी प्रोडिगी डे टू क्रैक IIT JEE या फिर NEET UG। ये है 24th और 25th को, ठीक है, 11 AM ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। एनरोल करो अभी के अभी, अगर तुमको जाना है सीरीज के लिए, यू कैन गो, यू कैन जस्ट यू नो गो थ्रू द प्रोग्राम्स। ओके, इनवाइट कोड क्या है? KJLIVE10 अगेन। ओके, क्या हाँ मिलेगा ना? यस गौरव, एब्सोल्युटली। और कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोगों को जो पीडीएफ मिलेगा ना, वहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हर एक प्रोग्राम का टाइमिंग दिया गया है। जैसे नीट जो 2020 में बैठेगा उसको कौन से टाइम पे है, नीट 21 वालों को कौन से टाइम पे जाना है, ये क्या हो गया, टेस्ट सीरीज होंगे तुम्हारे। ओके, सो यू गाइस कैन गो ओवर देयर। क्लास मेरी कब चालू होती है? मेरी क्लास होती है 5 बजे चालू, जैसे आज आए हो ना वैसे रोज आना है। ओके, बस सैटरडे संडे का टाइमिंग बदल सकता है, वो मैं तुम लोग को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया करूँगी। ओके, हाँ ना सी, वही तो, इसलिए तो बोला, और कुछ सरकास्टिकली बोला मैंने। क्या तुम लोग भी, चलो फाइन, चलो
ओके ओके डन डन विथ ऑल इधर उधर का टॉपिक. 12:30 बजे जो है हम लोग टॉपिक्स करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर एग्जाम, जो कि तुम्हारा जानना जरूरी है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो. 5 बजे हम अपना कोर टॉपिक्स करते हैं, जैसे हमारा ये चल रहा है ना लिविंग वर्ल्ड, तो वो लिविंग वर्ल्ड के बाद जो दूसरा टॉपिक लेंगे वो सारे टॉपिक्स जो है हमारे 5 बजे चालू होंगे. 12:30 बजे का अभी जो है ये हफ्ता पूरा, ये हफ्ता हम लोग we will be doing topics which you should know as a starter because you guys are new for the NEET. Got it? Yes, biohackers, red signals. Okay, ready for the session. Start karu main. Okay, great. Chalo. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें नॉमेनक्लेचर की. क्यों ज़रूरत है? इतने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है. हेलो मीनू, थैंक यू सो मच. इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा वराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यू नो सो मेनी थिंग्स आर देयर. इतने ज़्यादा प्लांट्स, इतने ज़्यादा एनिमल्स, अगर उनको हमें पढ़ना है तो हम आखिर करेंगे कैसे? राइट, ये क्वेश्चन एक है कि हम लोग ये चीज़ करेंगे कैसे. एंड वो चीज़ करने के लिए फिर हमने क्या सोचा कि यार पढ़ने में बड़ी मुश्किल आ रही है, तो साइंटिस्ट लोग, हम लोग ने क्या, हम तो खैर उनका पढ़ा हुआ पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला कि यार हमें ना कुछ तो करना पड़ेगा, उनको अलग अलग डिवाइड करके रखना पड़ेगा ताकि हमें पढ़ना ईजी हो, हमें उन्हें समझना ईजी हो. That's the reason. What did they do? They thought it's very necessary कि हम naming system लाए. Yes, and वही naming system को हमने कहा nomenclature. Nomenclature is nothing but naming. हम वो organism को नाम देंगे, और वो नाम किस basis पे देंगे? हम पहले उनको identify करेंगे. है कि नहीं? Once we can identify, तो वो आइडेंटिफाई करके हम उस ऑर्गेनिज्म का नामकरण करेंगे. बराबर, ठीक है? यहाँ तक ठीक है गाइस? अब देखो, प्लांट्स के लिए अगर तुम लोग को याद है, प्लांट्स के लिए जो था, ओके आई एम सो सॉरी, प्लांट्स के लिए इफ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में भी, आज सुबह भी डिस्कस किया था, जिसने जिसने अटेंड किया होगा, प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो देते हैं ICBN. यस, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड प्रांजल. ICBN जो है वो देता है प्लांट्स का साइंटिफिक नेम, जो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. रिमेंबर आई टोल्ड यू कि बॉटनी, प्लांट्स के स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं. यस, वेरी नाइस प्रांजल. एनिमल्स का जो है वो है ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature, क्योंकि zoology is for animals. यहाँ तक ठीक है? ओके. चलो, ये सब तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था nomenclature. अब हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं. हमने जो nomenclature, हम जिस तरीके से नेम करते हैं उसको हम कहते हैं binomial nomenclature. ठीक है, क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. एनीबडी हु इज अवेयर व्हाई डू वी कॉल इट एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? किसी को भी पता है कि बाइनोमियल कौन सा होगा? प्रांजल, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बाय ये तुम्हारा सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला. ठीक है, चलो बताओ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है. हेलो अर्शद, हाय, गुड इवनिंग. क्लासिफिकेशन इजी हो जाता है? अरे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण का ही प्रोसेस है, बट हम किस तरीके से नामकरण कर रहे हैं? हम उसका नामकरण कर रहे हैं, दो नाम दे रहे हैं. जैसे हमारे पास दो नाम है ना, एक नाम है और एक सरनेम है, एक मेन नेम एक सरनेम, है कि नहीं? जैसे हमारे पास दो है, वैसे ही उनके पास भी दो नाम है. ओके, वी हैव आर नेम, फोर नेम, एंड वी हैव आर सरनेम, राइट? सेम वे इवन दीज जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हमने दो नाम दिया.
यस लक्ष, वेरी नाइस. ओके, सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन द सेंस, ये जो बाय है, दिस बाय इज फॉर योर, अरे बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है, सो सॉरी. हाँ जी, बाय, बाय इज फॉर टू. ओके, सो वी विल बी नेमिंग दीज नोमेनक्लेचर, विल बी गिविंग देम टू नेम्स. ओके ओके, सो लेट्स सी हाउ इट इज. ये दिख रहा है कौन है, कोई गैस मार सकता है, कौन कौन है ये, सीढ़ी लेके खड़े हैं, कौन है ये? हाँ, मतलब सारा चैटिंग इधर ही कर लो, नंबर नहीं मिल रहा एक दूसरे का तो इधर ही पूछ लो कौन किसको क्या जानता है. हेलो कबीर, हाय, कम ऑन टेल मी, ये कौन है? गुड्डा है यार, ऐसे इंसल्ट ना करो. हाँ जी, कौन से साइंटिस्ट हैं, कोई गैस मार सकता है? चलो अभी अभी तो बता दो, अब बता दो. यस 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 लक्ष, अमेजिंग. चलो तुमको तो पता है. अरे ना ना, एरिस्टोटल नहीं है वो, प्रयास, इट्स नॉट एरिस्टोटल. यस, लक्ष्य ने आंसर दिया, क्या बात है. प्रांजल नहीं, न्यूटन नहीं है क्या यार? न्यूटन को तुम ला दिया बायोलॉजी में, हद करते हो, कॉमन सेंस तो लगाओ थोड़ा सा. ये है हमारे कार्ल लीनियस. ओके, कार्ल लीनियस ने कहा था, इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द थिंग्स, द नॉलेज ऑफ देम इज लॉस्ट टू. समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? का मतलब ये है कि वो बोलना चाहते हैं कि अगर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता, जैसे क्या रिशर लीनियस चाचा, अगर तुमको उस चीज का, किसी चीज का नाम नहीं पता, तो तुम उसके बारे में भी नहीं जान सकते. यू कैन नॉट हैव द नॉलेज ऑफ इट. ओके, सो ही वाज द फर्स्ट वन हु थॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नेम करें. ओके, नेमिंग सेक्शन दे, वो इंपॉर्टेंट था. हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. ओके, सो इट वाज कार्ल लीनियस हु सेड दैट कि हम बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देंगे. ठीक है, अब वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स थे. ओके, रूल्स थे, और वो रूल्स हम देख रहे हैं, चार रूल्स थे, दिख रहा है सबको? यस, चार रूल्स थे, वन बाय वन वी विल गो. ओके, हेलो अनया, हेलो हेलो, गुड इवनिंग. फोर रूल्स आर देयर, फोर रूल्स में से फर्स्ट रूल क्या है? तो ये है, लैटिन नेम्स होते हैं. ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन नेम्स हैं. ओके, एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स हमेशा, व्हेनेवर इफ यू आर टाइपिंग इट. ठीक है, अभी यहाँ पे तो इटैलिक्स वाला है, बिकॉज जब जब तुम टाइप करोगे तो इट हैज टू बी इटैलिक्स फॉन्ट में, वो कभी भी बोल्ड या नॉर्मल फॉन्ट में नहीं रहेगा, वो इटैलिक्स फॉन्ट में रहेगा. ओके, इट्स अ रूल, स्पीशीज का नाम हमेशा इटैलिक्स में रहना चाहिए. अगर तुम पेपर में लिख रहे हो, ठीक है, अगर तुम पेपर में लिख रहे हो, तो इट इज अ रूल दैट यू हैव टू अंडरलाइन इट. ठीक है, यू हैव टू अंडरलाइन, जैसे मैं अभी यहाँ पे स्पीशीज का नाम लिख रही हूँ, तो इट्स कंपलसरी कि मैं उसको अंडरलाइन करूँ. ओके 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 ओके, बायोलॉजी, हाउ कैन बायोलॉजी बी फॉर जेई एस्पिरेंट? ओके यस, सो वी हैव टू, यस अर्शद, वेरी नाइस, वी हैव टू अंडरलाइन इट. ओके, सेकंड रूल देखते हैं. ओके, सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये है कि जो द फर्स्ट वर्ड है हमारा, यानी कि जो बायोलॉजिकल नेम है, जो कि जीनस को बताता है, जीनस क्या है वो हम देखेंगे आगे. ठीक है, ओके, जीनस का नाम जो है वो फर्स्ट वर्ड आएगा, फर्स्ट वर्ड जीनस के लिए होगा, सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट यानी कि स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए होगा. गॉट इट? दिस विल बी फॉर स्पेसिफिक. ओके गाइस, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो योर फर्स्ट वर्ड, योर फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज बायोलॉजिकल नेम,
जो कि जीनस के लिए दिया जाएगा एंड तुम्हारा जो एनीथिंग रॉन्ग विद द माइक वॉइस इशू आ रहा है अभी ठीक है अभी ठीक है थैंक यू सो मच बताने के लिए थैंक यू प्रांजल थैंक अच्छा 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 अभी ठीक है गाइस अब सही है ओके 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 थैंक यू सो मच सो सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था चलो तो फर्स्ट रूल क्या था फर्स्ट रूल हमने सुना कि फर्स्ट रूल इज द कि हम लैटिन में ही लिखेंगे जो भी नाम होगा वो लैटिन में होगा और वो इटैलिक्स में होगा ओके इटैलिक्स में होगा अगर तुम टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में टाइप करोगे अगर तुम लिख रहे हो तो तुम उसको अंडरलाइन करोगे ये है रूल नंबर वन रूल नंबर टू क्या है रूल नंबर टू ये है कि जो तुम्हारा बाइनोमियल नेम है यानी कि जो दो नाम है वो दो नाम में से पहला नाम विल बी फॉर जीनस और जो सेकेंड नाम होगा सेकेंड विल बी फॉर स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज गॉट इट एक पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम होगा सेकेंड लेटर सेकेंड ये गॉट इट दो नाम बायोलॉजिकल नेम फर्स्ट पार्ट विल बी फॉर जीनस सेकेंड पार्ट विल बी स्पीशीज दिस वन इज डन फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे एनिमल्स क्यों है इतने ऐसी बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं ना हम इसीलिए सेकेंड थर्ड पार्ट पे आते हैं बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम जब हैंड रिटन होगा तब हम उसको अंडरलाइन करेंगे और प्रिंटेड टू इटैलिक्स जो कि हमने फर्स्ट रूल में ही कवर कर लिया तो आते हैं हम अपने फोर्थ रूल पे फोर्थ रूल ये है कि द वर्ड द फर्स्ट वर्ड जो होगा जीनस का वो हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और जो स्पीशीज का है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा ओके 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 कूल 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 यस सो योर फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर वेर एज सेकेंड वर्ड जो होगा जो कि स्पीशीज का होगा वो स्मॉल लेटर गॉट इट ओके एनी डाउट्स एनीवन और शुड आई मूव ऑन come on guys red signals come on bio anchors okay let's move on तो हम बात कर रहे थे कि बफरिंग हो रही है ओहो अब ठीक है चलो ओके 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 थैंक यू चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट जाते हैं आगे यार ये दिख रहा है तुम लोग को ये एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल दिख रहा है कॉमन नेम दिया है और साइंटिफिक नेम दिया है ठीक है कॉमन नेम देखो जितने भी कॉमन नेम है जैसे कैट का साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस फेलिस कैटस में फेलिस जो है उसके जीनस का नाम है इसीलिए फेलिस का एफ इज कैपिटल लेटर हमने कहा था ना फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होगा वेर एज सेकेंड वर्ड देखो सेकेंड वर्ड इज स्पीशीज कैटस ओनली फॉर कैट ठीक है ओनली फॉर कैट तो फिर उसका जो लेटर होगा फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल सी होगा ठीक है यस हेलो अनुष्का हाय हाय गुड इवनिंग ओके डॉग का देख लो डॉग का भी वैसे ही है ठीक है इवन काउ ह्यूमंस सबका वैसे है एक चीज एक एडिशनल चीज मैं बताऊंगी तुम लोग को वो ये है कि जब नेम तीन लेटर आता है ना तो समझ जाओ कि जो ढूंढने वाला है ना उसको नाम देने वाला जैसे कि लीनियस
लीनियस थे, उन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, किसको डिस्क्राइब किया था, ही फर्स्ट डिस्क्राइब्ड मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका को लीनियस ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, इसीलिए हम मैग्नीफेरा इंडिका तो लिखते हैं एम, मैग्नीफेरा एम कैपिटल फॉर जीनस, एंड इंडिका का आई विल बी स्मॉल फॉर योर स्पीशीज। बाकी लास्ट में जो तीसरा वर्ड है वो लिन लिख सकते हैं, जो कि यू नो एब्रिवेटेड या फिर शॉर्ट इनिशियल्स ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इट। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके एवरीवन, चलो ओके, बायो एंकर्स रेड सिग्नल्स, एवरीवन रेडी, क्लियर है सबको? ओके प्रांजलि तो बोला ना, या प्रिया, लिन इसलिए आता है क्योंकि लीनियस ने फाइंड आउट किया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन पे आते हैं, क्लासिफिकेशन की बात जब हम करते हैं तो अरे टैग्जा का ए नीचे कैसे चला गया, ओके एक्सक्यूज मी फॉर दैट, ये जो है टैग्जा, ठीक है, टैग्जा हम किसको कहते हैं, टैग्जा बेसिकली जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन करते समय हमने बोला था, पिछले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम एक यू नो स्टैंडर्ड वाइज सम क्लासिफाई करते हैं। अच्छा जैसे यहाँ पे तुम्हारी पंचायत हो रही है ना, जैसे चैट बॉक्स पे कैसे तुम लोग की पंचायत हो रही है, कौन 11th में है, कौन 10th में है, कौन 12th में है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड्स हो गया, ओके कि अच्छा तुम कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th वाला बच्चा है, कोई ड्रॉपर बच्चा है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली कि योर स्टैंडर्ड योर लेवल्स, ओके है कि नहीं, तो वो जो है वो टैग्जा होता है, ठीक है, लेवल्स, टैग्जॉन सिंगुलर फॉर्म में टैग्जॉन, ओके एंड टैग्जा, ओके गाइस, ये रैंक हो गया। अब उस चीज को करने का जो प्रोसेस होता है कि हम अच्छा टैग्जा डिसाइड करने वाले हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं टैग्जोनॉमी, ओके ओके ओके, यस टैग्जोनॉमी कहते हैं हम उसको, जब हम वो टैग्जा को यू नो व्हेन वी डू द होल प्रोसेस ऑफ गिविंग द टैग्जा, ठीक है। अब क्या क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, व्हाट टैक्सोनॉमी अगर हमको करना है तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हम करेंगे कैरेक्टराइजेशन कि उस क्या कैरेक्टर है, कैसे कैरेक्टराइजेशन करना है उस, मतलब उस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, आर दोज फीचर्स नेसेसरी, बिकॉज वो फीचर्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए, हमको पता रहना चाहिए अच्छा इसमें ग्रीन है इसमें येल्लो है, मतलब क्या ये कैरेक्टर्स हैं, ओके दिस इज यू नो समथिंग इज लुकिंग ग्रीन, तो अच्छा उसको उस कैरेक्टर में रखेंगे, ये येल्लो है उसको उस कैरेक्टर में रखेंगे, ओके ओके कूल कूल कूल, यस दैट इज योर कैरेक्टराइजेशन, ओके। कैरेक्टराइजेशन के बाद नॉमेनक्लेचर क्या होता है प्रिया, नॉमेनक्लेचर हम उसको कहते हैं जब हम नामकरण करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ओके किसी पशु पक्षी का जब तुम नामकरण करते हो ना कि ये इसका नाम हम ये रखने वाले हैं, तो उसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर। सी प्रांजल इज बीन सो हेल्पफुल, ओके तो वो होता है तुम्हारा नॉमेनक्लेचर, नामकरण से याद रखो कि नामकरण करना है नॉमेनक्लेचर है, ठीक है ठीक है, ओके ओके कूल एवरीवन, ओके ग्रेट। कैरेक्टराइजेशन में क्या कि हम कैरेक्टर्स देखेंगे, कैरेक्टर्स नोट आउट करेंगे कि ये कैरेक्टर्स किस में ज़्यादा कॉमन है, तो बेस्ड ऑन किस में कितनी सिमिलैरिटीज है कितने डिफरेंसेस है हम उसका टैक्सोनॉमी डिसाइड करेंगे, कौन सा टैक्सा देना है कौन सा टैक्सोन देना है, ठीक है। कैरेक्टर्स डिसाइड करने के बाद हम उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे, हमें वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अगर मैं तुम लोग को बोलूँ, चलो एक क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि एक जानवर है चार पैर का, ठीक है चार पैर हैं,
बहुत लंबी गर्दन है, थोड़ा पीले पीले कलर का है, बहुत लंबी गर्दन है। घास फूस खाता है, मतलब पेड़ में से ना वो खाता है, लीव्स खाता है। क्या क्या इमेजिन कर रहे हो तुम लोग? व्हाट आर यू गाइस इमेजिनिंग? यस, ओ प्रिया बड़ी फास्ट है। यस यस, एवरीबडी इज इमेजिनिंग द सेम एनिमल, राइट? ऐसा कोई है जिसको कुछ और दिमाग में आ रहा है? कोई है ऐसा जिसको कुछ और ही दिमाग में आया है ना? वेरी नाइस एवरीवन, वेरी नाइस। चलो, यानी कि क्या मैंने जो क्या किया, मैंने तुम लोग को, अच्छा कुछ कुछ ओवर स्मार्ट लोग दिए मैंने क्या किया, तुम लोग को फीचर्स बताए। मैंने क्या किया, तुम लोग को कैरेक्टर्स बताए। आई टोल्ड यू द कैरेक्टर्स कि ये सारे कैरेक्टर्स हैं, और ये कैरेक्टर्स के बेसिस पे तुम लोग ने क्या किया, यू गाइस आइडेंटिफाइड द ऑर्गेनिज्म, है ना? और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर मैं बोलूंगी, अच्छा मेरे को बताओ वो क्या पक्षी है जिस जानवर को, मतलब सॉरी जानवर, जिस ऑर्गेनिज्म को तुमने इमेजिन किया, जिसके कैरेक्टर्स मैंने तुम लोग को बताए, वो पक्षी है? क्या वो पक्षी है? इज इट अ बर्ड? तो क्या है फिर? तो क्या है फिर? और तुमको कैसे पता कि वो है जानवर है? चलो अच्छी बात है, यस एनिमल है, ग्रेट अमेजिंग एवरीवन। तो ये क्या हो गया कि तुम लोग ने क्या किया, एक बार तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा मैम ने ये कैरेक्टर्स बताए, तो ये कैरेक्टर से तो ये आइडेंटिफाई होता है कि ये जानवर है। बट ये जानवर है ये कैसे पता चला? तुमको पता है कि अच्छा जानवर के ये कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? फिर तुमने उसको क्या किया, यू क्लासिफाइड इट, यू क्लासिफाइड इट सेइंग कि ओके दिस कम्स इनटू कि ये एनिमल के ग्रुप में आता है, ओके? और फिर तुमने उसको नॉमनक्लेचर किया, ओके? नॉमनक्लेचर कैसे? अब जैसे तुम किसी कंट्री में गए कुछ रिसर्च करने के लिए इसी जानवर पे, ठीक है? यू वेंट इन टू सम रैंडम कंट्री, और फिर ना तुमको, तुम बोल रहे हो कि इसको ना मैं जिराफ बोलता हूँ, बट कहीं और पे ना उन लोग कुछ और बोलते हैं, सो दे आर लाइक सॉरी वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो क्या हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू फिनिश योर रिसर्च वर्क, राइट? तुम कुछ और बोल रहे हो, वो कुछ और बोल रहे हैं, तुम लोग का कम्युनिकेशन गैप अगर हो जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट, राइट? फॉर द सेम रीजन, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमने एक प्रॉपर सिंगुलर यूनानिमस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉमनक्लेचर सिलेक्ट किया कि हम ये ऑर्गेनिज्म को यही नाम देंगे और यही नॉमनक्लेचर रूल फॉलो करेंगे, ताकि सारे ऑर्गेनिज्म्स के नाम कहीं भी कोई भी पढ़ रहा होगा तो सबके लिए सेम होना चाहिए। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, यस एवरीवन, यस ज्ञानेंद्र, हेलो हेलो, यस हिमांशु, श्योर, फॉलो, गो एंड फॉलो द टेलीग्राम चैनल, यू विल गेट ऑल योर नोट्स ओवर देयर, ओके? मेरे को नहीं लगता वो होगा, वो प्लांट्स मैंने बोला था पत्ते खाता है, ओके ओके ओके, चलो ग्रेट। नॉमेनक्लेचर हो गया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सारे क्या है, ये प्रोसेस है तुम्हारे टैक्सोनॉमी के। और जब तुम ये सारी चीजों को सिस्टमैटिकली करते हो ना, कि एक बार वन बाय वन एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में जब तुम ये सारी क्लासिफिकेशन, सारा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, सब कुछ इंक्लूडिंग टैक्सोनॉमी, व्हेन यू डू इट प्रॉपरली इन अ सिस्टमैटिक मैनर, तब हम उसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स। कुल टेलीग्राम चैनल का नाम, टेलीग्राम चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, एक है तुम्हारा डीकोड नीट का, ओके? एंड जहाँ पे तुमको फिजिक्स केम बायो तीनों के मिलेंगे, प्लस आल्सो यू कैन फॉलो बायो हैंकर्स, बायो हैंकर्स, यस तुषार, थैंक यू सो वेरी मच, ओके? ठीक है, तो वहां पे स्पेसिफिकली बायो का होगा, ओके गाइस? चल लेट्स मूव ऑन।
तुम्हारा देख रहे हो तुम लोग एक ऑर्डर में है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. कैन यू सी हियर यू हैव योर किंगडम, फिर थोड़ा छोटा हो रहा है फाइलम, फिर थोड़ा छोटा हो रहा है क्लास, फिर उसमें का पार्ट है ऑर्डर, और छोटा फैमिली, जीनस, स्पीशीज. कैन यू सी इट्स लुकिंग लाइक ऐसा पिरामिड जैसा कि सबसे छोटा स्पीशीज. अब यहाँ पे छोटा क्यों बोल रहे हैं हम, जिसमें ज़्यादा कॉमन फीचर्स है ना, जैसे कि किंगडम. किंगडम मतलब क्या, मैंने बोल दिया जानवर, बस मैंने बोल दिया जानवर. अब सिर्फ जानवर बोलने से समझ में आ जाएगा क्या तुमको कि मैंने जानवर बोल दिया? अब जानवर एक यूनिसेलुलर एनिमल भी हो सकता है और एक मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, हाँ कि ना? यस, थैंक यू तुषार. तो व्हेन आई से एनिमल, किंगडम एनिमेलिया, तो वो क्या हो सकता है? एक यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एक मतलब यू नो बैक्टीरिया बोलने जा रही थी मैं, एक यूनिसेलुलर एनिमल भी हो सकता है और एक मल्टी सेलुलर एनिमल भी हो सकता है. वो सब आते हैं किंगडम एनिमेलिया में, है कि नहीं? बट अब मुझे कैसे और कैसे समझेगा, जस्ट एनिमल बोलने से हो गया क्या? नहीं. फिर मैं क्या करूँगी, थोड़े और उसमें इंक्लूड करूँगी कि अच्छा नहीं अभी ना उसमें भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं ये इसमें कॉर्डेट्स हैं या नॉन कॉर्डेट्स हैं. कॉर्डेट्स क्या है गाइस? वो जो नोटोकॉर्ड फॉर्म होता है लोअर एनिमल्स में, जो नोटोकॉर्ड फॉर्म होता है वो, तो वो नहीं रहता है ना उनमें, तो वो हो जाता है तुम्हारे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. गॉट इट? तो ये फाइलम में आ गया, ठीक है. फिर हम और उसको उसमें से, ये डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. यहाँ पे मैं तुम लोग को सिर्फ एक पूरा बैकबोन दे रही हूँ कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है. क्लास, सब क्लास में क्या करूँगी मैं, और उसमें से जो है फिल्टर करते जाएंगे, फिल्टर करेंगे मैमिलिया, ये वो फिल्टर आउट होगा. यस लक्ष, वेरी गुड, मैमिलिया. तो वी विल फिल्टर आउट, ठीक है. ऑर्डर में क्या होगा, देखो ऑर्डर का मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑर्डर एंड अदर टैक्सोनॉमिक जो भी है, मतलब ऑर्डर से लेकर नीचे तक का जो कैटेगरीज है, ये आइडेंटिफाई होता है बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कितने कैरेक्टर्स मैच ऑन हो रहे हैं, वो आता है तुम्हारा ऑर्डर के लिए. ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है ना, इसलिए मैंने इनके लिखे हैं, बाकी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल होगा. फैमिली की बात करें ना, तो फैमिली क्या हो गया, सारे रिलेटेड जेनरा, जितने भी रिलेटेड जीन्स है ना, जो जेनरा जो रिलेटेड होंगे, जिसमें काफ़ी बहुत मतलब यू नो कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज जो है, इट विल बी हैविंग लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज. मतलब कि यहाँ पे है वो सेम फैमिली के हैं, सेम फैमिली, बट फिर भी उनमें बहुत वराइटीज दिखेंगी. तो अब हमको क्या करना है कि अच्छा सेम फैमिली है बट ना मुझे अभी उसको और मेरे को अलग करना है. प्लांट्स की बात कर लेते, मेरे को ना सोचिए कि नहीं यार रेड वाला ना एक ही जगह रहना चाहिए. मैंने क्या कर दिया, एक जीनस बना दिया उनका, है ना. मैंने क्या कर दिया, जीनस बना दिया, जहाँ पे मैंने जितने भी मेरे को लग रहे थे ना, अरे रेड कलर वाले एक जगह, येलो वाले एक जगह कर दो, यानी कि क्या मैंने क्या किया, मैंने रिलेटेड स्पीशीज को एक प्रॉपर ग्रुप में डाल दिया. ओके ओके, यस, हेलो आशुतोष, हाय. एंड फाइनली आता है हमारा स्पीशीज, जहाँ पे मैंने अब रेड वालों को साथ में कर दिया ना, अब मुझे उसमें भी और सेम चाहिए, नहीं सेम टू सेम रहना चाहिए, एकदम स्पीशीज मतलब वो पर्टिकुलर स्पीशीज रहना चाहिए. तो दैट स्टडीज, टैक्सोनॉमिक स्टडीज, जहाँ पे हमने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी, व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल, कि ये अगर मैं बोल रही हूँ कि ये ऐसा लीफ होना चाहिए, वैसा लीफ होना चाहिए, तो वो सारे प्लांट्स में वैसा ही लीफ मिलेगा, अलग टाइप नहीं मिलेगा, वो क्या हो गया मेरा स्पीशीज, जो कि सब एकदम सेम है. जीनस थोड़ा कॉमन कॉमन कॉमन, फैमिली और थोड़ा कॉमन कॉमन कॉमन, ऑर्डर और कॉमन, मतलब उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, समझ रहे हो तुम लोग, इट्स फॉर्मिंग अ पिरामिड. व्हाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कितना ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं और कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. तो ये लेवल वाइज होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है गाइस? ठीक है, ओके डोकी. रेड सिग्नल्स, क्या बात है. थैंक यू तुषार, थैंक यू मुकेश. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ.
है ये एग्जाम्पल, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँ। मैं तो सोच रहा हूँ डोमेन है, देखो यूकैरियोट्स का डोमेन है, ठीक है, उसमें मैंने बोला एनिमिलिया ले लेते हैं, ठीक है। एनिमिलिया में मैंने बोला अच्छा एनिमिलिया नहीं, उसमें भी एनिमल्स में भी मुझे सिर्फ कॉर्डेटा दो, कॉर्डेटा लिए, ये क्या फाइलम, कॉर्डेटा में बोल रहे हैं, चलो कॉर्डेटा से भी और उसको यू नो कॉमन जो मैमेलिया है ना, एम्फीबियन से मैमेलिया, मुझे मैमेलिया अच्छी है, तो चलो ठीक है मैमेलिया, ठीक है। अब कुछ कुछ इसमें ओमिट होते जाएंगे क्योंकि फिल्टर आउट हो रहा है ना सब, मैमेलिया बोला मतलब मैमेलिया को छोड़ के बाकी सब सब फिल्टर आउट हो गए। फिर मैंने बोला अब इसमें से मुझे कार्निवोरा चाहिए, सिर्फ कार्निवोर तो हर्बीवोर निकल जाएगा इसमें से, है कि नहीं, ये हो गया मेरा कार्निवोर आ गया, ये क्या हो गया मेरे ऑर्डर, ये ऑर्डर आ गया है ना। ऑर्डर आने के बाद मैंने बोला अब मुझे इसमें भी ना फैमिली स्पेसिफिक चाहिए, मुझे कैनिडेट फैमिली चाहिए, ठीक है, तो बाकी जितने वो रिमूव हो गए, तो ये फैमिली कैनिडे आ गया, उसमें भी जीनस वल्पिस आ गया, स्पीशीज वल्पिस वल्पिस आ गया, ओके, दिस इज नथिंग बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेड फॉक्स। तो रेड फॉक्स होता है ना, उनका साइंटिफिक नेम इज वल्पी वल्पिस, वल्पिस वल्पिस, सॉरी, ओके, तो ये रेड फॉक्स आ गया। भी ये क्या हो गया, ये हमने देखा कि हम कैसे रेड फॉक्स को एक प्रॉपर किंगडम एनिमिलिया से फिल्टर आउट करके चूज कर रहे हैं, तो ये एक तरीका हो गया। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, ठीक है एवरीवन। चलो ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अब क्विज कर लेते हैं, रेडी एवरीवन, कौन कौन एक्साइटेड है क्विज के लिए, सांस ले लो थोड़ा सा, मेरे को ही लेने दो, क्विज के लिए रेडी हो सब लोग। गुड इवनिंग ज्योतिष, गुड इवनिंग, कोई बात नहीं तुम लेट हो, वापस वीडियो देख लेना, गुड इवनिंग। हम लोग वैसे भी क्विज करने जा रहे थे अभी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, रेड सिग्नल्स फॉर पीपल हु आर रेडी। टेलीग्राम का लिंक चाहिए, मुकेश यू कैन गेट द टेलीग्राम का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो सर्च कर लो बायो हैंकर्स अंडरस्कोर नीट, तुम लोग को मिल जाएगा, सी डी कोड नीट, देन यू हैव रेडी फॉर क्विज, रेडी फॉर क्विज, यस, ओके, ऑसम, चलो लेट्स मूव ऑन, ओके ओके गाइस, अब कैसा होगा ना, क्वेश्चंस विल बी ऑन योर स्क्रीन, बकवास नहीं चाहिए मेरे को एकदम भी अभी फिलहाल, ओके, नो बकवास इन द चैट सेक्शन, क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन द स्क्रीन, ऑप्शंस दिए होंगे, I will be giving you 10 नहीं चलो 15 seconds ले लो, 15 to 20 seconds मैं दूंगी तुम लोग को, you guys will find out the answer, और chat section में मुझे answers चाहिए, answers को छोड़ के जिसने भी एक भी बकवास comment डाला, okay, I'm being very serious during the quiz, okay guys, यस, ओके लक्ष, अमेजिंग, एक काम करो ये चैनल को भी गो लाइक सब्सक्राइब, देखने तो कितने लाइक्स हैं, इतने जन अटेंड कर रहे हैं, वाह अमेजिंग अमेजिंग ऑसम गाइस, ओके ओके ओके, तो गाइस व्हाट आई सेइंग इज़ कि अब क्या होगा, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ कमेंट्स नहीं चाहिए मुझे, ओके, स्टॉप कमेंटिंग, हाय दिव्या, हेलो दिव्या, गुड इवनिंग, ओके, क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, तुम लोग को सिर्फ आंसर करना है, ठीक है, सिर्फ ए बी सी डी उतना ही लिखा रहना चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए, ओके, चलो थैंक यू फॉर ऑल द रेड सिग्नल्स, आई कैन सी दैट पीपल आर रेडी, ओके गौरव, गुड इवनिंग, चलो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट गाइस, रेडी, चलो 3 2 1, आई बी गिविंग ओनली 15 सेकेंड, मुझे देखना है कितने जन सही आंसर करते हैं, ठीक है ठीक है,
और जो, हाँ ये बोलना भूल गई मैं, जिसका भी मैंने और कोई कमेंट देखा बकवास, किसी को भी अगर बकवास कमेंट करनी है अपार्ट फ्रॉम ए बी सी डी या आंसर को छोड़ के, अगर किसी ने कुछ लिखा और, मैं सीधा यहाँ से ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है? देन यू वॉन्ट बी एबल टू मैसेज। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडी एवरीवन? रेडी एवरीवन? आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? यस। चलो रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? ओके। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर गिवन बाय, अभी तुम लोग को वैसे भी 10 सेकेंड लेट मिलता है ना आंसर्स, तो मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, इसलिए मैं 15 सेकेंड दिया, अदरवाइज 10 सेकेंड में तो तुम लोग आराम से आंसर दे सकते हो। ओहो क्या बात है। ओके हाउ मेनी गाइस आंसर्ड? राजू रस्तोगी, लक्ष्य, गौरव। ओके सुजन। ओके 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 बाप रे इतने सारे आंसर्स। अलग अलग ए बी सी डी तीनों आंसर, चारों आंसर मत दो, एक ही आंसर दो। ब्लर है क्या गौरव? अरे रे एक काम करो सुनो, जो वीडियो है ना, वीडियो के इस पे जाके क्वालिटी होगा ना तुम्हारा, 3 डॉट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे वीडियो के यहाँ पे तुमको ऐसा 3 डॉट्स दिख रहे रहेंगे। गो ओवर देयर, चेक द क्वालिटी एंड उसके क्वालिटी को चेंज करो ऑटो से मैक्सिमम पे। तुम जैसे ही चेंज करोगे तुमको बहुत क्लियरली दिखने लगेगा। अभी दिख रहा है? इज इट ओके नाउ गौरव? इज इट ओके? चलो ग्रेट। ओके बहुत लोग ने, मैं आई कैन क्लियरली सी मैक्सिमम पीपल आर सेइंग ए, अमेजिंग। ओके 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 तो रेडी फॉर द आंसर? साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर गिवन बाय, ऑप्शन ए है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमनक्लेचर, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल प्लांट्स, सी इंडियन कोड फॉर बोटानिकल नॉमनक्लेचर एंड डी फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। अब देखो तुम लोग को ओमिट कैसे करना है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ प्लांट्स के बारे में, तो जूलॉजी तो वैसे भी नहीं आना चाहिए, है ना? यस। तो गाइस योर आंसर इज राइट, आंसर इज ए, अमेजिंग, मोस्ट ऑफ यू गॉट द आंसर राइट। क्लियर यश? यश तुमको समझा, तुम सी बोल रहे थे, आर यू क्लियर विद दिस? यस। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी गाइस? रेड सिग्नल्स जल्दी, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग को देख के हुआ कि नहीं, थोड़ा लेट आ रहा है ना मेरे पास। रेडी एवरीवन? Was there any doubt in the first question? Okay, चलो next question is binomial nomenclature. Binomial nomenclature was given by, option है अर्नस्ट मेयर, बी एलेक्सेंडर एगेसिस, सी कैरोलस लीनियस, डी एलेक्सेंडर एगेसिस एंड कैरोलस। चार ऑप्शन है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? चलो द टाइम स्टार्ट नाउ।
ओके 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 आंसर्स आर कमिंग. ऑसम ऑसम ऑसम. हाँ ना, मैं ये पोल में ही एक्चुअली लूंगी फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर. आज मैंने स्पेशल क्लास किया नहीं था ना, कल से करेंगे. तो हम ऐसे सारे एमसीक्यूज जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से पोल में ही करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो एवरीबडी इज़ रेडी विद द आंसर. आई कैन क्लियरली सी सब ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं. ऑसम गाइस. सो द आंसर इज सी. वेरी नाइस. देखा, सी बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे इन माय फर्स्ट सेशन. याद है तुम लोग का वो जो मैं नीट का सेशन लिया था, मैंने उसमें तुम लोग मुझे पूछ रहे थे कल के इसमें कि मैम 1 मिनट में एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें. तब मैंने तुम लोग को बोला था बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे. कैन यू सी नाउ व्हाट्स हैपनिंग? आई एम बेयरली गिविंग यू 10-15 सेकेंड्स. 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, 10 सेकेंड्स में ही हो गया. गाइज आर आंसरिंग, मतलब समझ रहे हो, 10 सेकेंड में अगर तुम आंसर कर रहे हो तो बचा हुआ जो है 40 सेकेंड्स आर रिमेनिंग. एक एक मिनट मिल रहा है ना एक क्वेश्चन को, वो सारा तुम फिजिक्स कैम के लिए यूज कर सकते हो. ओके, सो डू नॉट वरी दैट 180 क्वेश्चंस है. चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सिस्टमैटिक डील्स विथ, सिस्टमैटिक किस चीज से डील करता है? अरे सॉरी सॉरी, मैंने 50 सेकेंड बोला. सिस्टमैटिक्स डील्स विथ व्हाट? नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑल ऑफ दी. सिस्टमैटिक्स जो है आज ही पढ़ा हमने, किस चीज से डील करता है? फ्यू गाइज आर सेइंग बी. ओके, डी बी डी बी डी. ओके सब. ओके 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 ओके. एकदम बढ़िया हूँ मैं. गुड इवनिंग गुड इवनिंग. थैंक यू सो मच आदिश. ओके ओके, सो नाउ दैट आई कैन क्लियरली सी, जो मैक्सिमम बच्चे हैं तुम लोग ने आंसर दे दिया है, तो मैं आंसर बता दूँ. रेडी एवरीवन? चलो. हाय हर्ष. हेलो हेलो, गुड इवनिंग. तो सिस्टमैटिक डील्स विथ, जो लोग ने बी लिखा है, सुनो मेरी बात अभी ध्यान से सुनो. ओके, ध्यान से सुनो. नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये जो है सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर तो हम करते ही है कि नहीं, है ना? नॉमन, मैं आंसर नहीं बता रही, वो टिक मार्क उसके लिए नहीं था. नॉमेनक्लेचर तो हम करते ही हैं सारे नए ऑर्गेनिज्म का, वो तो है ही, राइट? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, न्यू मतलब क्या कि वो ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स कौन से, तो उस हिसाब से हम एक लिंक बनाते हैं. ओके ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स, अरे ये प्लांट किंगडम का नहीं है बाबा. अभी आज के ही लेक्चर में बताया मैंने सिस्टमैटिक्स क्या होता है, व्हेन यू डू द होल थिंग. याद है फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड में ही था ये चीज. सो द आंसर इज ऑल ऑफ दी. सब चीज मैंने बोला था ना, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, हर चीज हम जब सिस्टमैटिकली करते हैं तो टुगेदर इट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स. क्लियर क्लियर क्लियर. एनीबडी विथ एनी डाउट? कूल कूल. यस गाइस. ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्सोनॉमिक स्टडीज किस पे डिपेंड करता है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज डिपेंड ऑन, ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाऊं मैं अखिल? ओके चलो, आई विल कीप इन माइंड. टैक्सोनॉमिक स्टडीज डील्स विथ व्हाट? आई मीन डिपेंड्स ऑन व्हाट? पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सेकेंड ऑप्शन इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म. थर्ड ऑप्शन इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. टैक्सोनॉमिक स्टडीज की बात कर रहे हैं,
स्टार्टिंग में आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उस चीज का, बता दो जल्दी आंसर, टेक योर टाइम, 10 seconds. क्या बात है, बड़े फास्ट है यार तुम लोग तो. रेडी विद द आंसर्स. आई कैन सी बहुत सारे जन ने आंसर कर दिया है. ओके, चलो नाउ दैट चलो आंसर इज येस, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर राइट. द आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबाव. बिकॉज व्हेन वी डू टैक्सोनॉमिक स्टडीज करते समय हम इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ध्यान रखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कौन से इकोसिस्टम में है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. क्योंकि ये सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं कब, जब हम क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, है कि नहीं? Yes, तो ये सारी चीजें हम तब करते हैं, तो इसीलिए ये सारे ऑल टुगेदर वी विल बी नोटिसिंग व्हेन वी विल डूइंग द नेमिंग. ओके, एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस क्लास. देखो बराबर टाइम पे छोड़ती हूँ मैं तुम लोग को हर लेक्चर में, तो टाइम पे आया करो, ठीक है? सो गाइज अगेन जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज तुम लोग टाइम पे नहीं आते हो. ओके 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 डोकी. ओके गाइज, सो ऑल माई बायो हैंकर्स गो फॉलो योर ये क्या बोलते हैं, यार मैं हर बार भूल जाती हूँ, टेलीग्राम चैनल जाके फॉलो करो, ठीक है? थैंक यू मुकेश फॉर द रेड सिग्नल, थैंक यू मनीष. टेलीग्राम चैनल जाके फॉलो करो, टेलीग्राम बायो डिकोड नीट, बायो हैंकर्स नीट, गो फॉलो. एंड देन आई बी, क्योंकि आज रात तक मैं तुम लोग को स्पेशल क्लासेस का लिंक शेयर कर दूंगी, जहाँ पे हम और भी MCQ सॉल्व करेंगे. ठीक है ठीक है ठीक है, कूल 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 एवरीवन. ठीक है गाइस, ओके बकवास नहीं किया करो यार, क्या मतलब. चलो डन, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक ओनली? इज एवरीवन क्लियर? यस, ओके. चलो देन, टाटास, बाबाइस, सी यू गाइस. चलो सी यू टुमारो 12:30 बजे, रेडी रहना, ठीक है? 12:30 बजे रेडी रहना, वी विल बी डूइंग स्कोप ऑफ बायोलॉजी. ओके गाइस, चलो बाय बाय, टाटा.